हेलो गाइस एंड वेलकम। सो आज हम बात करेंगे फिल्म विकी विद्या और जिगरा फिल्म से रिलेटेड कंट्रोवर्सी की। आपने हाल ही में देखा तो होगा जो इशू बना हुआ है, काफ़ी बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है जिगरा और विकी विद्या फिल्म के हवाले से, जो कि अगर आपको मैं पोस्ट सभी ने देखी होंगी जो कि दिव्या खोसला कुमार ने बोला है जिगरा फिल्म के लिए और उसके रिप्लाई में करण जौहर ने क्या बोला, हम वो भी देख लेते हैं। ये दिव्या मैडम ने क्या बोला है, उन्होंने क्यों बोला है और किस लिए बोला है, और फिर हम आगे उनका रिप्लाई भी देखेंगे जो करण साहब कर रहा है। अब इन मैडम ने बोला कि वो फिल्म नहीं देखने जिगरा, सिटी मॉल है कौन सा मॉल है आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आलिया भट्ट को टैग करते हुए उन्होंने बोला कि आलिया भट्ट में वाकई बहुत जिगरा है, अपनी फिल्म के ही आपने पूरी टिकट्स हॉल बुक करवा लिया और पूरा हॉल खाली है। एक बात समझ नहीं, पहले तो दिव्या मैडम आपके हम काफ़ी बड़े फ़ैन भी हैं और आपके गाने वगैरह भी देखते रहते हैं, लेकिन सॉरी टू से आप आलिया भट्ट से ज़्यादा बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, ना ही उतनी आपकी स्टार पावर है। मेरा पहला पॉइंट ये उठता है, आप फिल्म देखने गई तो गई और हॉल भी खाली है, तो पहले तो आप मुझे बताएं ये जब आप फिल्म देखने गई हैं हॉल खाली था ये कितने बजे का शो था, किस टाइम का था और क्या वाकई पूरा हॉल खाली था, क्योंकि अगर एक बंदा भी फिल्म देखने जाता ना तो मैडम जी उसके लिए भी थिएटर ऑन हो जाता और क्या पता वो एक बंदा आप ही हो, आई मीन लड़की औरत जो भी है। खैर एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था आपने एक पिक्चर क्लिक की, आपने बोला हॉल खाली है, ठीक है, आप ज़रा वीडियो भी बना लेते पूरे हॉल की, लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे बॉक्स की हर जगह की, बाकी सारा कुछ खाली है। चलो मैं कहता हूँ अगर ये नहीं भी है तो अगर कोई एक पर्सन दो लोग भी हैं, क्या पता वो कहीं बाहर उठ के गए हुए हो, किसी का कॉल शॉल आ गया हो, आपको क्यों इतनी टेंशन हो रही है। अच्छा चले ये भी छोड़ें, अगर मैं कहता हूँ उन्होंने ख़रीदे भी अपने शो तो वो उनकी मर्ज़ी है, आपको किस बात की टेंशन है। और अगर आपको लगता है जो आपकी फिल्म कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है वो आपकी गलत फहमी है, 1.5 करोड़ रुपये ऊपर है, ठीक है। वैसे एक बात बताइएगा दिव्या जी, आपको क्या लगता है कि आपकी फिल्म के जितने भी शोज हैं सारे हाउसफुल जा रहे हैं, क्योंकि हाउसफुल जाने के लिए ना आपका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना फर्स्ट डे का वो जवान जितना या फिर स्त्री 2 जितना होना चाहिए, यहाँ के 4-5 करोड़ रुपए जो कि इस फिल्म का है, और जो इस तरह का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है ना फर्स्ट डे का सेकंड डे का थर्ड डे का, उसके मोस्टली शो इसी तरह जाते हैं, तो आपको क्या लगता है आप क्या सोच रही है। चले ये सब चीज़ें रहने दीजिए, मिट्टी डाले तो मुझे ये बताएगा वैसे जो शो था मोहतरमा वो कितने बजे का था, किस टाइम का था, कितना लेट नाइट शो था, और अगर आपने इस हॉल की तस्वीर खींच ली थी तो जिस हॉल में आपकी फिल्म चल रही थी उसकी भी ज़रा पिक्चर ले लेती एक आध, हमें पता चल जाता, कंपैरिजन तो ऐसे होता है ना दोनों की पिक्चर बनाते पता चलता हाँ जी ये हॉल तो फुल जा रहे जनाब और ये जो है ये खाली जा रहा, फिर होता ना डिफेंस, फिर बात होती। आप बेवजह किसी सबूत के आपने आगे एक गार्बेज कर दिया और अब उस गार्बेज में मुझे जो लगता है आप खुद भी शर्मिंदा होंगी, जो कि करण जौहर द ग्रेट ने जो जवाब आपको दिया है ना उससे जो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। और आपका दूसरा इल्ज़ाम जो कि आपने लगाया कि जिगरा मूवी जो है वो आपकी सेवी फिल्म की कॉपी है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 1993 में एक फिल्म आई थी गुमराह जो कि धर्मा बैनर के अंदर बनी थी महेश भट्ट के साथ, तो उस हिसाब से तो आपकी फिल्म कॉपी हुई ना, उनके पास ऑफिशियली राइट है बनाने का। बोलने से पहले पोस्ट करने से पहले एक बार सोच लिया करें, वो क्या है ना आप ही की इसमें भलाई है, नहीं तो आप कैसे कह सकती हैं कि ये फिल्म कॉपी थी, कॉपी तो फिर आपकी फिल्म हुई ना, ज़रा सोच समझ के बोला करें। पर एनीवेज एज यूजल प्लीज़ कमेंट बिलो, आप बताइए मैं गलत हूँ या सही हूँ, अगर सही हूँ तब भी बताइए प्लीज़, और अगर गलत हूँ तो तब भी बताइए। टिल देन टेक केयर। और हम यहाँ अपना जिगरा लेकर आए हैं पूरे जिगर के साथ।